हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। ठीक है, आपको पता ही होगा ये अभी कितना न्यूज़ में चल रहा है और वैसे भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। 1945 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर या फिर इसकी लोकेशन जो है या फिर इसकी जो सिटिंग है वो आप कह सकते हैं हेग में है, नीदरलैंड्स में। ठीक है, प्राइमरी जुडिशियल बेंच है यूनाइटेड नेशंस की, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इट इज़। एंड जज की जो टर्म होती है, ठीक है, वो 9 ईयर्स की होती है। ठीक है, अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इंडिया की तरफ से कौन से जज जो हैं वो इसमें अभी चुने गए थे पीछे। ठीक है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी मैं जब हम आगे फर्दर वीडियो में चलेंगे तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। उसका नंबर ऑफ जजेस जो होते हैं वो 15 होते हैं, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जो जज की टर्म होती है वो तो 9 ईयर्स की होती है और 15 जज वैसे बैठते हैं। ठीक है, और इसकी जो ज्यूरिस्डिक्शन होती है ना, मतलब जो भी डिस्प्यूट चल रहा होता है वो तभी मतलब ये केस सोल्व करते हैं इफ़ बोथ द कंसर्न्ड पार्टीज़ या फिर स्टेट्स सबमिट करवाती है ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द ICJ। अगर दोनों ने अपना जो है वो ICJ में करवाया हो कि वहाँ पे केस चलेगा। ठीक है, और दिस कैन बी डन इन टू वेज, ये दो तरीके से चलती है। एक है वॉलंट्री ज्यूरिस्डिक्शन, और इसमें क्या है, वॉलंट्री में आप सबको पता ही है कि वो खुद से चला सकते हैं। अंडर दिस अ स्टेट एक्सेप्ट द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ ICJ फॉर अ पर्टिकुलर केस और द क्लास ऑफ केसेस। ठीक है, मतलब वो स्टेट जो है खुद एक्सेप्ट करेगी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ ICJ फॉर द पर्टिकुलर केस और द क्लास ऑफ केसेस। और दूसरा हमारे पास आ जाता है कंपल्सरी ज्यूरिस्डिक्शन। इसके अंदर क्या होता है, ज्यूरिस्डिक्शन जो होती है ICJ की वो मैंडेटरी होती है बाय अ ट्रीटी एंड प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के साथ। उसके बाद इंडिया जो है वो ICJ का मेंबर है, और आपको भी पता होगा जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन से जज वहाँ पे हैं, तो वो तभी हैं कि इंडिया इसका एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद कोर्ट सेटल द लीगल डिस्प्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सबमिटेड टू इट बाय द स्टेट एंड प्रोवाइड एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन द लीगल क्वेश्चंस सबमिटेड टू इट बाय इट्स ऑथराइज्ड इंटरनेशनल ब्रांचेस एजेंसीज एंड UNGA। ठीक है, जो भी सबमिट करवाता है केस वहाँ पे फिर उसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चलता है। और जैसे कि आपको पता ही है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये कोर्ट है, तो ये जो है आपको ये याद रखना है, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं देखता। ठीक है, क्रिमिनल वाली दूसरी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे हमने बात की थी ये कि 15 जजेस हैं, ठीक है, तो इसमें कभी कभी ना 17 जजेस भी हो जाते हैं, वो अभी भी मैं बताती हूँ कि इसमें जो है ना एडहॉक जजेस भी ले सकते हैं ये। कई बार क्या होता है कि सीट्स खाली हो जाती हैं और एडहॉक जजेस भी ये ले सकते हैं, अलाउ करता है ICJ जो है, अलाउ करता है एडहॉक जजेस की रिक्रूटमेंट के लिए। और कभी 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 ये 17 जजेस भी बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अब हम बात करते हैं अपने जो हमारा केस चल रहा है ICJ में उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी तरफ से जो इंडिया के हैं वो दलबीर भंडारी, जस्टिस दलबीर भंडारी। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से मतलब इंडिया के हैं वहाँ पे सिटिंग जज। ठीक है, तो इनकी जो 9 ईयर्स का इनका पूरी टर्म रहेगी और ये 15 बेंच के उसमें ये बैठते हैं। उसके बाद जो हमारा केस चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं, तो हमारा जो केस है वो है कुलभूषण यादव का, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि जो पाकिस्तान है उसने ये बोला है कि ये उन्होंने ये पकड़ा था ईरान एंड पाकिस्तान के बॉर्डर से इन्होंने कुलभूषण यादव को पकड़ा था, अरेस्ट किया था। और इन्होंने क्या एक्विजिशन लगाए हैं कि कुलभूषण यादव जो है वो क्या कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, स्पाइंग का काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है, और इसी को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए अब जो है पाकिस्तान ने बोला है कि आप कंसल्टेटिव बिठा सकते हैं, लेकिन पहले वो ये भी नहीं मान रहा था। ठीक है, तो ये जो थे ये नेवी के एक्स ऑफिसर थे जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। ठीक है, और इनके बारे में और भी आप सर्च कर सकते हैं कुछ।
ठीक है, लेकिन अभी तक आपको यही याद रखना है कि दो चीज़ें, कि दलबीर भंडारी हमारे जो हैं वो सिटिंग जज है वहाँ पे, और कुलभूषण यादव का जो है वो केस चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। क्विक रिवीजन में हम देख लेते हैं, 1945 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी, हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है, और यूएन की ये जुडिशियल प्राइमरी ब्रांच है। जज की टर्म जो होती है वो 9 ईयर्स की होती है, 15 नंबर ऑफ जजेस होते हैं, और इसका जो जुरिडिक्शन है ओनली ओवर द डिस्प्यूट इफ़ बोथ द पार्टी सबमिट टू द जुरिडिक्शन ऑफ आईसीजी। उसके बाद दो तरीके की होती है, वॉलंटरी एंड कंपल्सरी जुरिडिक्शन। वॉलंटरी में आपको पता है कि वो खुद से स्टेट एक्सेप्ट करेगा कि जुरिडिक्शन ऑफ आईसीजी हो फॉर द पर्टिकुलर केस और द क्लास ऑफ केस, और कंपल्सरी में क्या होगा, ये मैंडेटरी होगा बाय अ ट्रीटी और अ प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। उसके बाद इंडिया भी इसका पार्ट है, ठीक है, जैसे दलबीर भंडारी हमारे जो हैं वो सिटिंग जज है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लीगल डिस्प्यूट्स को ये सोल्व करता है अगर वहाँ पे हम केस डाले, और इसकी एडवाइजरी ओपिनियंस होती हैं ऑन द लीगल क्वेश्चंस, ठीक है। और एक बात जो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि इसकी जो जैसे मतलब कि केस हो गया सोल्व, ठीक है, अगर इसने कुछ वो बता दिया कि ये आपका केस सोल्व हो गया है, लेकिन इसकी जो डिसीजन होगा जो इसका वो बाइंडिंग नहीं होगा, वो कंट्रीज़ के ऊपर होगा कि वो इसको मानती हैं या नहीं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि साउथ चाइना सी का जो केस चल रहा था वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही चल रहा था, साउथ चाइना सी का केस, जिसमें वो चाइना क्लेम करता है कि वो जो साउथ चाइना सी है वो इसका है, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ है जैसे वियतनाम वगैरह वो कहती हैं कि नहीं हमारा भी शेयर है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो अपना डिसीजन सुनाया था ना वो दूसरी कंट्रीज़ के उसमें सुनाया था, पक्ष में, चाइना के अगेंस्ट सुनाया था, लेकिन चाइना ने इसे मानने से इनकार कर दिया। चाइना कहता है कि नहीं मैं आपके डिसीज़न को नहीं मानता। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि इसके जो डिसीज़न है वो नॉन बाइंडिंग है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और तो नहीं इसमें कुछ रह गया, हाँ बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर, अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।